दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं जनकपुर नेपाल, और ये देखिए राजा जनक का दरबार का महल का यह दृश्य है। अभी हम गेट के बाहर खड़े होकर बाहर का नज़ारा आप सबों को दिखा रहे हैं। देखिए बाहर से ही यह भवन या महल देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना मनमोहक दृश्य है बाहर का ही। तो अभी चलेंगे अंदर, फिर अंदर का दृश्य जो है आप सबों को भी दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं गेट। तो मुख्य द्वार से हम अंदर अहाते में हम पहुंच गए हैं, और ये देखिए अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चारों तरफ एक से एक भवन बना हुआ है, और एक से एक चित्रकारी और कलाकारी किया हुआ है, और प्रकाश से जगमगा रहा है। कहा जाता है कि राजा जनक जी ने माता जानकी अर्थात सीता जी का लालन पालन यहीं पर किया था, और माता सीता यहीं पर पली बढ़ी थी। देखिए लोग काफ़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं और देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में हैं। और अभी शाम का समय है, और ये देखिए चारों तरफ प्रकाश जगमगा रहा है। अभी माता जानकी राम और लक्ष्मण जी का जहाँ पर प्रतिमा है, मंदिर है, वहाँ का भी भ्रमण अभी आप सबों को कराएंगे। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हम राम जानकी मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े हैं। ये देखिए यही है राम जानकी मंदिर। ये देखिए लोग मुख्य द्वार से प्रवेश करके सीधे मंदिर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, और अभी संध्या का समय है और सभी पूजा में लगे हुए हैं, और चारों तरफ घूम घूम कर देख भी रहे हैं। ये देखिए बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा है। देखिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और ये देखिए यही है राम जानकी मंदिर, जहाँ पर राम जानकी और लक्ष्मण जी का प्रतिमा रखा हुआ है, जहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए अब और जगहों का भ्रमण आप सबों को कराते हैं। ये देखिए दोस्तों हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर राजा जनक जी माता जानकी का जन्म के पश्चात उन्हें यहां लाकर कैसे लालन पालन उनका किया था, उनकी रानियां पटरानियां मिलकर कैसे खुशी मनाई थी, कितना खुशी मनाई और कैसे कैसे उनका लालन पालन किया था, सभी कुछ यहां कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है। वही सब देखिए, वही सब आकृति है। देखिए कहा जाता है कि माता जानकी का लालन पालन यहीं हुआ, और यहीं पली बढ़ी थी और यहीं पर बड़ी हुई थी। यही सब यहाँ चित्रकारी के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से सभी कुछ दिखाया गया है। ये देखिए आप सब। तो इसके बाद अब चलिए आगे भी कुछ दिखाते हैं आप सभी को। दोस्तों जनक भवन घूमते घूमते हम देखिए भवन के छत पर आ गए हैं, और छत पर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए चारों तरफ एक से एक भवन दिख रहा है। दोस्तों जनक भवन काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, और एक से एक महल और भवन बने हुए हैं। कितना खूबसूरत सा महल है ये देखिए राजा जनक जी का। अभी हम छत पर टहल रहे हैं, ये देखिए छत के ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा आप सबों को दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार।